ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत कठगुलाब में निरूपित इको फेमिनिज्म विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप इको फेमिनिज्म की अवधारणा जान सकेंगे, फिर स्त्री और प्रकृति के बीच के संबंध के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और कठगुलाब उपन्यास में निरूपित इको फेमिनिज्म की अवधारणा पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इको फेमिनिज्म एक विशिष्ट स्त्रीवादी संप्रदाय है जिसके मूल में दो वैचारिक संकल्पनाएं हैं, इकोलॉजिकल डिस्कोर्स और फेमिनिज्म। इकोलॉजिकल डिस्कोर्स अर्थात पारिस्थितिकी विमर्श, और पारिस्थितिकी विमर्श का अर्थ है प्रकृति की चेतावनियों को सुनकर मनुष्य द्वारा अपनी गलतियां सुधारने, लाभ और लोभ की गोद में पली बेलगाम लालसाएं पूरी करने और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण समन्वयात्मक संबंध स्थापित करने की चेतना। प्रकृति मनुष्य की कार्यस्थली मात्र नहीं है, जीवनी शक्ति भी है और जीवन के प्रयोगशाला की सबसे भरोसेमंद सहायक और गुरु भी। यहाँ अपने अस्तित्व को बचाने का अर्थ दूसरों के अस्तित्व की रक्षा की जद्दोजहद भी है, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट के प्रसंग नोआज आर्क के मिथक से समझ सकते हैं। हम जानते हैं स्त्रीवादी संप्रदाय एक नहीं अनेक हैं। उन सबकी निजी प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज करके यदि हम स्त्री विमर्श को परिभाषित करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टि के साथ स्त्री प्रश्नों पर पाठक में अब तक के अनदेखे को देखने और सुनने की संवेदनशीलता विकसित करना है, इसलिए कि लैंगिक विभाजन से मुक्त मनुष्य और समाज की रचना की जा सके। जर्मन चिंतक मारिया माइस और भारतीय चिंतक वंदना शिवा की मान्यता है कि राजनीति और पूंजी का चरित्र वर्चस्ववादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चरित्र से भिन्न नहीं है। फलतः अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए तीनों कमजोर देशों को जीतने, प्रकृति का दोहन करने और स्त्री को रौंदने में कोई संकोच नहीं करते। इको फेमिनिज्म बलात्कृता स्त्री और प्रकृति के बीच समता मूलक अंतर संबंध की परिकल्पना करता है और मनुष्य और समाज को चेतावनी देता है कि यदि इसी प्रकार दोनों के शोषण का क्रम चलता रहा तो प्रकृति की भांति स्त्री भी प्रतिशोध के लिए तत्पर हो जाएगी। क्योंकि सृजन और प्रजनन के कारण सृष्टि की अनवरतता स्त्री और प्रकृति की उर्वरता पर निर्भर है, इसलिए माना जाता है कि पारिस्थितिकी विमर्श यदि जैविक विविधता को बचाने के लिए प्रकृति और पर्यावरण के साथ मनुष्य के संतुलित समन्वयात्मक संबंध का नाम है, तो इको फेमिनिज्म सृष्टि के क्रम को बचाए रखने के लिए प्रकृति रूपा स्त्री की गरिमा को बचाने की संवेदनात्मक पहल है। स्त्री अमूमन हर देश काल में तिरस्कृत रही है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उदार मुखौटा, न्याय की कोशिश के बावजूद स्त्री की अस्मिता को पुरुष निरपेक्ष स्वायत्त इकाई के रूप में नहीं देख पाता। प्रकृति की भांति स्त्री में भी सहने की और सृजन करने की अकूत ताकत है, लेकिन प्रकृति की तरह उसका दोहन मनुष्य के लिए घातक हो सकता है। मृदुला गर्ग हिंदी की पहली रचनाकार हैं जो पूंजीवादी सभ्यता और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के भीतर प्रकृति और स्त्री के साथ पुरुष और समाज के अंतर संबंधों को जांचने की आवश्यकता पर बल देती। कठगुलाब बेहद सचेष्ट भाव से रचा गया उपन्यास है और इसमें उन्होंने अपने तरीके से इको फेमिनिज्म को परिभाषित किया है। वे इस तथ्य को रेखांकित करना चाहती हैं कि स्त्री मूलतः सृष्टा है और मातृत्व उसकी सार्थकता, इसलिए इनके उपन्यास के सभी स्त्री पात्र निखालिस औरतें हैं। उसी एक आदिम हूक के साथ आज भी वे सृष्टि की पहली आदिम औरत की तरह मां बनकर अपने आप को अंकुआना, हरा भरा होना, खिलकर झूम उठना चाहती हैं। वह चाहे परंपरा की बैसाखियों पर टिकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की प्रतिनिधि नर्मदा हो या सुशिक्षित स्वतंत्र चेता अमेरिकन स्त्री मारियान, उग्र फेमिनिस्ट असीमा हो या संवेदना की प्रतिमूर्ति स्मिता, सभी एक ही भावना से आपूरित हैं। उनमें मातृत्व है और मातृत्व का अर्थ मृदुलागर की दृष्टि में है सृजन की इच्छा,
यानी आत्माभिव्यक्ति और आत्मविस्तार की अदम्य चाह। अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उकेरने का विश्वास। लेकिन यहीं कहीं एक सवाल भी छुपा है कि क्यों लेखिका मातृत्व को गदगद भाव से महिमा मंडित कर रही है। यह तो परंपरागत भारतीय उच्छ्वासी है। मृदुला गर्ग दरअसल सृजन के अर्थ को संतानोत्पत्ति के रूढ़ अर्थ में नहीं देख, वे मानती है कि संतान पैदा न करने से कोई स्त्री बंजर नहीं हो जाती, और भी बहुत कुछ है जिसका हम सृजन कर सकते हैं। इसीलिए कठ गुलाब को उन्होंने एक ऐसी कृति के रूप में रचा है जो सृजन की उन संभावनाओं की तलाश करती है जो मारियान के संदर्भ में शब्दों का संसार रचकर मूर्त होती है, असीमा के संदर्भ में गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, दर्जन बीबी के संदर्भ में आत्मदया और अपराध बोध के भय से सिकुड़ी स्त्री को आत्मनिर्भरता और आत्माभिमान का पाठ पढ़ाती है, और स्मिता के संदर्भ में बंजर गोधड़ को हरियाणे का संकल्प बन जाती है। इसलिए जब तक मां न बन पाने की कसैली अनुभूति से ये सारी स्त्रियां त्रस्त हैं, तब तक वो बेहद आक्रामक हैं, उग्र हैं, बेचैन हैं। पुरुष के प्रति प्रतिशोध, घृणा और हिकारत उनकी पहचान बन गई है। लेकिन घृणा और प्रतिशोध को मृदुला गर्ग अपने उपन्यास की स्त्री की अंतिम पहचान नहीं बनने देती। वे प्रतिशोध लेने से ज्यादा प्रतिशोध के त्रासद भाव से मुक्ति की कामना करती हैं। पीड़ा की राह से गुजर कर ही अपने अपना मुकाम पाना चाहती हैं और जानती हैं कि पीड़ा सृजन के बिना संभव नहीं। कठ गुलाब उपन्यास में निरूपित इको फेमिनिज्म को समझने के लिए दो आधार बीज हैं, ड्रैकुला और कठ गुलाब, रत्नुमाली और बंजर आदिवासी क्षेत्र का विपरीत युग्म। ड्रैकुला पुरुष की संवेदनहीन स्वार्थी मनोवृत्ति का प्रतीक है, जिसने आदिकाल से स्त्री को चूस कर ऐसा रक्तहीन कर दिया है कि अभ्यासवश अब वह कठ गुलाब की तरह अंकुवात हो जाती है, लेकिन हरियाने और खिलने का जज्बा भीतर पैदा नहीं कर। कोढ़ी रत्नुमालू की तरह परंपरा पोषित तिरस्कार, अपमान और लांछना ने स्त्री में आत्मदीनता, आत्म प्रताड़ना और आत्मपीड़ा का ऐसा भाव भर दिया है कि वह हाशिए पर रहकर अपनी तिरस्कृत नियति को अपनी स्वाभाविक स्थिति मानने लगी। लेकिन रत्नु कोई साधारण इंसान नहीं है, वह माली है, यानी प्रकृति का सहचर, प्रकृति के रहस्यों का जानकार। बेशक वह कोढ़ी है, लेकिन कोढ़ कोई अभिशाप तो नहीं, एक बीमारी है जिसे सही इलाज, सेवा और आत्मविश्वास की दीक्षा द्वारा ठीक किया जा सकता है। उससे घृणा करने का अर्थ है धरती को बंजर बना, और उसे स्वीकारने का अर्थ है प्रकृति को सदाबहार बना देना। स्मिता को लगता है जब तक पति प्रेमी पुरुष द्वारा दिए गए मानसिक आघातों को कोढ़ समझकर वह और उस जैसी स्त्रियां अपने आप को मथती रहेंगी, चीथती रहेंगी, तब तक समूची धरती से इस जिंदगी की एक एक सांस नष्ट होती रहेगी। उसे लगता है दर्द बांटे बिना दर्द से मुक्ति नहीं पाई जा सकती, और प्यार बांटे बिना दर्द नहीं पड़ता। स्मिता हिंदुस्तान लौटकर प्रकृति की गोद में ढेर सारे बच्चों का रेल पेल करता जंगल उगाकर पीड़ा की कचोट को प्यार में बदल डालना चाहती है। यही अपने प्रतिशोध को रचनात्मक दिशा देने का एक संकल्प है। मारियान इसी संकल्प को शब्दों के सहारे अभिव्यक्त करना चाहती। विमेन ऑफ द अर्थ उसका पहला उपन्यास है, जिसे वह अपना पहला रचना शिशु कहती है। इसे उसके पति इरविंग ने भले ही छल कपट से हथिया लिया है, लेकिन अब वह उसका शोक मनाकर इमिग्रेंट स्त्री रूथ की तरह अपनी पूरी जिंदगी वीरान नहीं कर सकती। वह संकल्प दृढ़ है कि उसे अब ढेर से उपन्यास लिखने हैं, ताकि अपनी और अपनों की पीड़ा वह सब में बांट सके और उनके दुख को, उनके दर्द को हल्का कर सके। लेखिका मृदुला गर्ग का फेमिनिज्म दो अवधारणाओं से बंधा है। एक, दर्जन बीबी का जीवन दर्शन कि हम औरतें हैं, हमें माफ करना आना चाहिए। दूसरा, स्मिता की आकांक्षा युक्त पीड़ा कि क्यों अमेरिका प्रवास के दौरान हमेशा उसे कठगुलाब ही याद आता रहा। ये दोनों अवधारणाएं दरअसल क्षमाशीलता और सौहार्दपूर्ण तरलता
यानी स्त्री की शक्ति और अपेक्षाओं को एक स्तर पर एक साथ समझने की संवेदनशीलता है। मृदुला गर्ग ने दर्जन बीबी को ऐसी चरित्रगत उदारता, लोचशीलता और परिपक्वता दी है कि वह औदात्य की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक मनुष्य मात्र न रहकर एक संस्था बन गई है। दर्जन बीबी के लिए लेखिका स्वयं कहती हैं, और दर्जन बीबी की अपनी पुत्री असीमा भी यही कहती है कि वह क्या है, सतयुगी काल से चली आ रही संतोषी भारतीय नारी, जिसे आधुनिकता किसी हिसाब से नहीं कहा जा सकता। रहन सहन देखें, खान पान देखें, पहनावा देखें, वह पोंगापन थी स्त्री का रूपक सामने रखती है। सिर पर पल्लू, मेकअप विहीन चेहरा, त्योहारों में आस्था, माँ बाप की आज्ञाकारिणी पुत्री, तयशुदा विवाह और खाना बनाकर खिलाकर बच्चे पैदा करके खुश रहने वाली एक औसत स्त्री। लेखिका ने अपने शब्दों में उसे कहा है कि वो ठीक ठाक संतुलित दरमियाने किस्म की औरत है, लेकिन यह दर्जन बीबी का कुल परिचय नहीं है। असल में उसमें स्वाभिमान का शीरा कुछ ज्यादा ही मिकदार में है, इतना कि औसत भारतीय स्त्री के लिए निर्धारित आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए वह अपने पति के स्वेच्छाचार को अनुमति नहीं दे सकती। वह साफ कहती है, मेरे सिद्धांत मुझे ऐसे पति से एक भी पैसा लेने की इजाजत नहीं देते जो किसी और का पति बन चुका हो। एक फैशन डिजाइनर मशीन के साथ और दो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर पति से अलग हो जाने वाली दर्जन बीबी का स्वाभिमान की आधार भूमि पर पैर टिकाते ही सामान्य से विशिष्ट स्त्री बन जाना संयोग या सुयोजित लेखन का नमूना नहीं है। वह मनुष्य के रूप में अपनी जीवन शर्तों और फैसलों को स्पष्टतः स्वीकारने और उन्हें क्रियान्वित करने का एक संकल्प है। मुझे मात्र शरीर बनकर जीना पसंद नहीं था और मैं दया का पात्र भी नहीं बनना चाहती थी। दर्जन बीबी का यह वाक्य दरअसल इस उपन्यास में स्त्री की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बहुत दूर तक अपनी भूमिका अभिनीत करता है। दर्जन बीबी मानती है कि हर स्थिति, हर समस्या से निपटने के लिए आत्मसमर्पण की मुद्रा में परंपरा से घिसे पिटे औजार उधार नहीं लिए जा सकते। उन्हें बार बार खुद गढ़ना पड़ता है अपने विवेक से, अनुभव से, आस्था से और दृष्टि से। इसलिए दर्जन बीबी आजाद ख्याली की हिमायती हैं। वे अपनी पुत्री असीमा की बंद सोच को दुरुस्त करती हैं और साथ ही साथ अपने जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति भी करती हैं, जिसे एक वयस्क और सकारात्मक सोच के साथ ही पाया जा सकता है। दर्जन बीबी को हम किसी भी सांचे में फिट नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में वह इतनी सघन और मूल्यवान है कि पीड़िता के रूप में हाशिए पर न रहकर प्रेरणा पुंज का रूप ले लेती है। मुझे देख, बीसियों बच्चे हैं मेरे, तभी इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ एक बच्ची मेरा काम संभालेगी, एक मेरी चिता को आग देगी, बाकी सम्मानजनक जीवन जिएंगी। किसी की खातिर मुझे कलपने की जरूरत नहीं है। स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति बनकर दर्जन बीबी अपने आप को उपन्यास में अविस्मरणीय पात्र के रूप में। दर्जन बीबी ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहती कि शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए तभी सफलता मिलती है। वे मानती हैं कि शुरुआत होना ही अपने आप में एक बड़ी चीज है। ठीक उसी तरह से जैसे बच्चा पहला कदम उठाता है और फिर एक बार जो उठा लिया तो रुकने का नाम नहीं लेता। वक्त के साथ सारी गतियां नाप लेने को स्वयं ही व्यग्र हो उठता है। इसलिए वे चाहती हैं धीरज और ताली, यानी उत्साहवर्धन का भाव। हैरत नहीं कि पूरे उपन्यास में असीमा अपनी मां के सामने बौनी, सिकुड़ी और पराजित दिखाई पड़ती है। उसकी यह पराजय एक सुविचारित योजना के तहत, एक और यदि उस खुर्राट फेमिनिज्म की धज्जियां उड़ाने के लिए इस्तेमाल की गई है, तो दूसरी ओर सारे नारों और दावों से परे उस फेमिनिज्म को प्रतिष्ठापित कर जाती है जो अपनी सार्थकता नारी मुक्ति में नहीं, मानव मात्र की मुक्ति में पाता है। और यही इस उपन्यास की बहुत बड़ी शक्ति है। अनिवार्य परिणति के रूप में स्त्री जीवन को आच्छादित कर लेने वाला मातृत्व महज एक निष्क्रिय स्थिति नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के साथ साथ पूरे समाज और काल को गढ़ने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए मृदुला गर्ग स्त्री से वानरी मोह त्याग कर एक बुनियादी जरूरत के तौर पर मानवीय मूल्यों और दायित्वों को पहचानने का आग्रह करती है। ठीक वैसे ही जैसे तेज गति से घूमते चाक पर कुम्हार की उंगलियों
के कोमल स्पर्श से एक नई आकृति जन्म लेती है, ठीक वैसी ही सतर्क और कोमल भूमिका है मां। असीमा के साथ दर्जन बीबी के संवाद और साहचर्य के जरिए मातृत्व की सैद्धांतिक की पुनर्रचना करते हुए लेखिका 21वीं सदी की जागरूक और व्यक्तित्व संपन्न माँ की कुछ अनिवार्यताओं को इस प्रकार रेखांकित करती हैं। जैसे नंबर एक, तुम्हें आजाद ख्याल होना चाहिए, पहले से खुद को सीमाओं में बांधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बंद अनुदार दृष्टि हमेशा मानसिक वैचारिक रुग्णताओं को संक्रामक रोग की तरह फैलाती है। दूसरे, धीरज रखे बगैर कोई काम नहीं हो सकता, यानी स्थिति पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने से पहले जरूरी है ठंडे दिमाग से गहन और पूर्ण छानबीन, क्योंकि अधीरता मनुष्य जीवन को कठिनतर बना देने वाली विवेकहीनता ही। तीसरे, दुश्मन को दुख पहुंचाकर खुश होना गलत है, खुद हमारी आत्मा के लिए नुकसानदेह है, यानी क्षमा और उदारता की पक्षधरता जिसके मूल में हमेशा सक्रिय रहती है संवेदनशीलता और विवेकशीलता जैसी सकारात्मकताएं। चौथे, नर्मदा का हौसला बढ़ाने की बजाय यह क्या खटराग ले बैठी, अपनी बेटी को डांटती है वह, यानी बताना चाहती है कि राग द्वेष से मुक्त सहयोग सहानुभूति और बंधुत्व के प्रसार की तत्परता मनुष्य में होनी चाहिए, जहां घटनाओं में बंधा अतीत मृत संबंध या स्मृतियों में अटके दुखद प्रकरण महत्वपूर्ण नहीं रहे। मृदुला गर्ग इको फेमिनिज्म की मूलभूत पहचान बनाने के लिए दो गुणों का विशेष रेखांकन करती हैं, और वे दो गुण हैं हार्दिकता और आस्था। स्मिता तमाम क्रूरताओं कड़वाहटों मानसिक तनावों और नफरत के उन्मादों को झेलने के बाद बाहर से कठगुलाब की तरह सख्त और भूरी हो गई है, लेकिन वह अंदर से अभी भी कोमल है, नरम है, सदाबहार है, सिर्फ इसीलिए कि वह हार्दिकता और आस्था का आगार है। वह न केवल प्रकृति से जुड़ी है बल्कि प्रकृति का प्रतिरूप भी है। प्रकृति की तरह हर आघात को धैर्यपूर्वक सहकर खामोशी से अपना सफर तय करने वाली स्त्री। इसलिए एक और यदि वह शुगर मेपल के साथ हार्दिक संवाद स्थापित करती है, शुगर मेपल जो पश्चिमी देशों में पाया जाने वाला एक पेड़ है जो फॉल के समय एकदम नग्न हो जाता है और फॉल से तुरंत पहले आने वाले पीक के दौरान वह अपने आप को अनेक रंगों में सौंदर्य में हर तरह की छटा में अपने आप को उभारता है। इसी शुगर मेपल के साथ आत्मीय बहनापा स्थापित करके लेखिका स्मिता की संवेदना के महीन परतों को पाठकों के सामने रखी। पीक के दौरान हर रंग और छटा को कसकर पकड़े रहने की उसकी बेताबी में कहीं हम स्मिता की लोभी प्रकृति की झलक देखते हैं, तो कहीं दूसरी फॉल के दिनों में शुगर मेपल की नंगी निचड़ी बलात्कृता देह समूची स्त्री जाति की लज्जा पीड़ा और अपमान का प्रतीक बन जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी इंसानी शख्सियत की तरह शुगर मेपल नष्ट नहीं होती, बल्कि बर्फ के कफन में दफना दिए जाने पर भी वह दोबारा जीने को मचलती है, हरियाती है और फिर से सतरंगी चूनर ओढ़कर सौंदर्य और जीवन को एक दूसरे का पर्याय बना देती है। यह वह दृष्टि है, यह संपूर्ण मनुष्य दृष्टि है जो भारतीय संदर्भ में बलात्कृता स्त्री के अभिशाप को धोने का एक बड़ा कारण बन सकती है। गोधड़ में बंथाल आदिवासी क्षेत्र के कल्याण के लिए जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं सब असीमा ने बनाई, उनके क्रियान्वयन की पद्धति भी और असफलताओं का अवसाद भी असीमा का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मिता इन सब से अछूती आत्मलिप्त और विरक्त है। अपने मातृत्व का प्रसार दूर दराज तक करके वह भीतर की रिक्ति को भर लेना चाहती है, लेकिन असीमा की तरह धमाके के साथ नहीं। उसकी अपनी सोच है, काम करने की उसकी अपनी शैली है। वह मानती है कि बंजर धरती पर लहलहाती फसल तभी उगा पाएगी जब पहले वह स्वयं उसके एक एक कण को सींच लेगी, उसे उसकी अनुर्वरता के बंधता के अभिशाप से मुक्त कर देगी। स्नेहिल स्पर्श देकर धरती को अपना बनाना, एक आत्मीय संवाद स्थापित करना बहुत बड़ी बात है। वह मानती है कि धरती की चाह बस इतनी सी ही तो है,
फिर वह प्रत्युत्तर में कितने ही कल्पतरु क्यों नहीं उगा देगी मनुष्य के लिए। स्मिता चूंकि स्वयं प्रकृति रूपा है, इसलिए उसका यह विश्वास निराधार नहीं है और ना ही उसकी एकल साधना अनदेखी अनछुई सी मिटती है। वह एक प्रेरणा और जनशक्ति का व्यापक रूप धर के उस बंजर प्रदेश को जिस प्रकार हरा भरा, गतिमय और संगीतमय करती है, वह उत्पीड़न के जवाब में सृजन की निष्कंप आस्था की आवश्यकता को ही रेखांकित करता है। दूसरे, वह मानती है कि एक बार जिहाद छिड़ जाने पर क्या कोई अछूता रह सकता है। यही विश्वास है कि पूरे के पूरे गोधड़ प्रदेश की स्त्रियों को वह अपने अनुयायी नहीं, अपनी बहन बनाकर, अपनी सहभागी बनाकर उस बड़े आंदोलन में उन्हें साथ लेकर चलती है। असीमा की प्रारंभिक विफलताएं स्मिता की इस मंत्रविद्ध सफलता के बाद समाप्त हो गई। गोधड़ प्रकरण से गुजरते हुए बार बार इको फेमिनिस्ट वंदना शिवा का स्मरण आता रहता है, जो स्मिता की तरह स्त्री को शक्ति रूप में संगठित कर स्त्री और प्रकृति दोनों के उद्धार और मुक्ति का स्वप्न देखती है। तमाम उत्कृष्ट अनुभव साधनों पर स्त्रियों का एकाधिकार पुरुष को एकदम खाली खोखला बनाकर छोड़ देता है। विपिन का यह कथन मातृत्व के उदात्तीकरण का परंपरागत घिसा पिटा मुहावरा नहीं है, वरन स्त्री पुरुष की प्रकृतिगत भिन्नता को दर्शाता हुआ एक स्तर पर यदि पुरुष की अतृप्ति और अवसाद को उद्घाटित करता है तो दूसरी ओर स्त्री से अतिरिक्त सजगता, उत्साह और धैर्य की मांग भी करता है। साथ ही मांग करता है संकल्प दृढ़ता की, क्योंकि स्त्री को सिर्फ अपने को ही नहीं बचाना है, अपनी कोख को भी बचाना है। सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करनी है, आने वाली पीढ़ी को भी यह संस्कार देना है कि वह दूसरों के आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। बेशक उसके दायित्व दोहरे तिहरे हो गए हैं, लेकिन प्रकृति की तरह अपनी ही रचना को खाद बनाकर अंकुरित होना और फिर अपने ही अंकुर में अगली फसल के लिए बीज डालना स्त्री का ही दायित्व है। मृदुलाकर की विशेषता है कि कठ गुलाब में शुरुआती तौर पर इंसेस्ट यानी पारिवारिक यौन हिंसा को सामाजिक कलंक और सांघातिक हादसे के रूप में देखने के बाद वे इसे टर्निंग प्वाइंट के रूप में चित्रित करती हैं। आईनों और तेज रोशनियों से घबराकर पलायन कर जाने वाली स्मिता अपने को पहचानने के प्रयास में भीतरी कमजोरियों और वर्जनाओं से जूझती हुई एक ऐसी स्त्री के रूप में निखर कर सामने आती है जो आत्ममुग्धता और अपराध बोध दोनों ग्रंथियों से अछूती एक स्वस्थ ऊर्जावान स्त्री। स्मिता ही नहीं, उपन्यास की प्राय सभी स्त्रियां किसी न किसी रूप में बलात्कार की शिकार रही हैं। बलात्कार सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न या सेक्सुअल स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं है, वह भी है जो संस्कारों, वर्जनाओं और मर्यादाओं के नाम पर स्त्री को मानसिक, आत्मिक, नैतिक रूप से कमजोर बनाने के लिए सदियों से किया जाता रहा है। बलात्कार सिर्फ हिंसा और नग्न पाशविकता के रूप में ही नहीं उभरता, वह मीठी स्तुतियों और आकर्षक प्रवचनों का बाना पहनकर प्रकट होता है। इस बलात्कार के खिलाफ सदियों से तिल मिलाई नारी प्रतिशोध के लिए उठ खड़ी हो, एकाएक उठ खड़ी हो, यह कोई अनिवार्य नहीं। दरअसल यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो एक ध्रुवांत पर इस उपन्यास में हमें रूथ, एलोना, सूजन जैसी इमिग्रेंट स्त्रियों के मूक क्रंदन में दिखाई पड़ती है। उनका यह मूक क्रंदन प्रतिशोध के पहले चरण की नींव डालता है जो उत्तरोत्तर मुखर रूप में दर्जन बीबी, नर्मदा, स्मिता, मारियान और अंत में नमिता में भी देखा जा सकता है। दूसरे ध्रुवांत पर नीरजा जैसे अतिरेक की सृष्टि की गई है। असल में मृदुला गर्ग नीरजा को पात्र के रूप में नहीं, चेतावनी के रूप में गढ़ती हैं, ताकि समाज उसके हश्र को, उसकी कार्यशैली को देखकर अपनी दिशा और गति खुद अपने विवेक से तय कर सके। इसलिए नीरजा की मानसिक ऊसरता की यांत्रिक विकृति में परिणति और फिर उसके जरिए त्रासद भविष्य के संकेत देने के बाद उस सांचे को तोड़ना मृदुला गर्ग के लिए अनिवार्य हो जाता है। नीरजा में अपना अक्स देखने के बावजूद असीमा अपने आप को इतना लाचार नहीं मानती, क्योंकि ध्यान दें तो पूरे उपन्यास में किसी भी पृष्ठ पर वह अकेली कभी उभरती ही नहीं है।
वह जब जब उपन्यास में आई है माँ के संदर्भ में आई है या स्मिता के साथ आई है, और ये दोनों स्त्रियां जब तब उसके व्यक्तित्व का परिमार्जन कर अपनी हार्दिकता और आस्था से उसे यंत्र मानव में तब्दील होने से रोकती रही। उपन्यास में इको फेमिनिज्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मृदुला गर्ग ने कुछ एक कथा युक्तियों का सहारा भी लिया है, जिसे खासतौर पर उन्होंने पात्रों को दो वर्गों में विभाजित किया है, स्याह और सफेद दो कोटियां। प्रत्येक देश काल आयु वर्ग की स्त्री की अलग अलग व्यथा कथा कहते हुए भी यह ध्यान रखती है कि अंतिम टेक में वे स्त्रियां पुरुष प्रताड़ना की एक सी ध्वनि बन जाए। अपनी प्रवक्ता तिरस्कृता स्त्रियों स्मिता असीमा मारिया नर्मदा को बांझ दिखाना और पुरुषों को अनिवार्य रूप से खलनायक चित्रित करना, ये भी उनकी कथा युक्तियां हैं। हालांकि उन्होंने अर्धनारीश्वर की परिकल्पना करके जिस पुरुष विपिन को रचा है वह पूरा न सही आधा पौना स्त्री तो है ही, इसलिए मृदुला गर्ग पर टाइप्ड पात्रों को गढ़ने का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके स्त्री पात्र जिस सांचे से तैयार होकर निकले हैं वह उन्हें स्वप्नदर्शी और भावुक बनाता है। यहाँ तक कि असीमा को देखें, वह असीमा जो हर पुरुष को कराटे किक देकर हरामी का खिताब देती है, वह अपने आप को कितना ही उग्र और आक्रामक के रूप में क्यों ना प्रस्तुत करे, उस असीमा में भी हमें नारी सुलभ कोमलता और करुणा की अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें वह नीरजा के विपरीत वह कहीं बेहद तरल और स्वप्नदर्शी भी है। और सिर्फ असीमा की ही बात क्यों करें, विपिन की बात माने तो स्वार्थी से स्वार्थी स्त्री के पास भी निस्वार्थ प्रेम करने की अकूत ताकत है। ऐसी पूंजी के होते भावनाओं एवं अनुभूतियों का उदात्तीकरण तो स्वयमेव होगा ही। ठीक इसी तरह मृदुला गर्ग के सभी पुरुष पात्रों का सांचा भी एक ही है, और लेखिका ने उसे नाम दिया है नर सुअर। जिम जार्विस हो या इरविंग विटमैन या गैरी कूप या स्मिता का जीजा या नर्मदा का जीजा गणपत, मृदुला गर्ग हिकारत के साथ इन सभी पुरुष पात्रों पर थूकते हुए एक बड़ा सवाल उठाती हैं कि आखिरकार कोई स्त्री प्रताड़ना लांछना देने वाले पुरुष की अनुकंपा और साहचर्य चाहती ही क्यों है? क्या इसलिए कि वह उसे बच्चा दे सकता है? लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए जब स्पर्म बैंक या टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे विकल्प मौजूद हैं, तब क्या अहमियत रह जाती है स्त्री के जीवन में पुरुष की? खासतौर पर उन आत्माभिमानिनी आत्मनिर्भर स्त्रियों के लिए जो मानती है जिंदगी की असल नेमत है औरत की दोस्ती। लेकिन मृदुला गर्ग के भीतर का विवेकशील मनुष्य उनके भीतर रची बसी औरत को धकियाकर सवाल भी पूछता है कि क्या लैंगिक इकाई में रिड्यूस होकर व्यक्ति अपनी मनुष्यता को अखंड पा सकता है? क्या स्त्री के शोषण के मूल में लैंगिक विभाजन को प्राकृतिक और जायज ठहराने वाली राजनीति नहीं है, जो एक और स्त्रियों में अपने ही शरीर और अस्तित्व के प्रति घृणा का भाव पोषती है, तो दूसरी और स्त्री को स्त्री के खिलाफ खड़ा करके उसकी रचनात्मक शक्तियों को नष्ट कर डालती? इसलिए मृदुला गर्ग की स्त्रियां आत्ममुग्धता से भी मुक्त है और अपराध बोध से भी। वे मानती है विशिष्ट लैंगिक भूमिकाओं में स्त्री पुरुष का विभाजन न उन्हें स्वस्थ जैविक इकाई बने रहने देगा, न संवेदनशील विवेकशील मनुष्य। पुरुष अपनी समग्रता को अधिनायकवाद में केंद्रित कर ले और स्त्री मातृत्व के बहाने प्रजनन की मशीन बनकर रह जाए, जहां संबंधों की ऊष्मा से भरा जीवन नहीं वहां यांत्रिकताएं विकृति और विघटन ही शेष बचते हैं। दरअसल नीरजा को गढ़ने के मूल में उनकी यही छटपटाहट सक्रिय रही है। बिना विवाह किए अधेड़ विपिन के साथ रहकर उसे बच्चा देने का अनुबंध स्वीकारती है। वह बोहेमियन प्रकृति की प्रयोग करने का कौतुक और संबंधों के पारंपरिक ढांचे के प्रति अनास्था, ये सब तत्व नीरजा के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। लेकिन 2.5-3 बरस के संसर्ग के बाद भी संतान न दे पाना, अनेकानेक मेडिकल टेस्टों से गुजरने के बाद अपनी ही असमर्थता जानकर लगभग क्षिप्त और हठी हो जाना, मेडिकल विज्ञान की हर संभव तकनीक का सहारा लेकर अपनी बायोलॉजिकल अक्षमता को पलटने का संकल्प, पराभव टूटन, नीरजा विपिन के साथ संबंध नहीं जीती चैलेंज के साथ दिन ब दिन खुद को छीलती छींचती चलती।
उसकी जीत भरी पूरी शख्सियत यंत्र मानव में तब्दील हो गई है और फिर गिनी पिग में। मौसम का आह्वान, भावनाओं का ज्वार, मदन गंध से गंधाता विपिन, उसके लिए सब कुछ बेमानी। सच और मानिखेज है तो उस एक पल की प्रतीक्षा जब उसकी मेडिकल रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करें कि हाँ अब वह इसे खास पल में मां बन सकती है। उसके लिए विपिन नहीं, विपिन का स्पर्म ज्यादा जरूरी है। इसलिए लेखिका और विपिन दोनों आतंकित हैं नीरजा के इस विघटन से। जब सायास निर्मम बनकर अपने बारे में बेबाक जानकारी दी जाती है तब न तिलिस्म बचता है न साहचर्य पैदा होता है। मृदुला गर्ग नीरजा के बारे में अपनी बेबाक राय देती है तो विपिन असीमा के कंधे पर सिर रखकर रो लेना चाहता है। नहीं, अपेक्षाओं के बावजूद स्त्री पुरुष संबंध का दारुण अंत इस बिंदु पर नहीं हो सकता। दुख से प्रतिस्थापित होकर मनुष्य अपने संवेगात्मक कोष को दिखाता है लेकिन तकनीक से प्रत्यारोपित होकर वह संवेगात्मक रिक्ति का ही पर्याय बन जाता है। चयन, वरण, विस्मरण मनुष्य की नेमते हैं जो यांत्रिकता और जड़ता को छिन्न भिन्न कर मनुष्य को मनुष्य यानी एक निरंतर गतिशील विकासशील प्राणी बनाते हैं। इसी मान्यता के कारण विपिन तमाम निराशा के बीच भी जीवन के उल्लास को चिन्हित करने में समर्थ। विपिन को अपना प्रवक्ता बनाकर मृदुला गर्ग मानो नीरजा की ही यांत्रिकताओं को समझा देना चाहती हैं कि संयुक्त स्मृति के उन अंशों को जो प्रासंगिक नहीं रहे हम अस्वीकार नहीं करेंगे तो जड़ हो जाएंगे, सोचने विचारने निर्णय लेने लायक भी नहीं रहेंगे, यानी मनुष्य नहीं रहेंगे। मनुष्य बने रहने के लिए संयुक्त स्मृति को संपूर्ण नहीं चयन करके ग्रहण करना होता है। जाहिर है जैव वैज्ञानिक शोध के सहारे प्रकृति के विधान में हस्तक्षेप करना मृदुला गर्ग को पसंद नहीं। विज्ञान और पूंजी के गठबंधन ने उन्हें चिंतित जरूर किया है लेकिन यह भी तय है कि भविष्य के प्रति उन्हें अनास्थावान नहीं बनाया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मृदुला गर्ग का इको फेमिनिज्म इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि स्त्री गुलाब, नीम का पेड़ या किसी भी सामान्य वनस्पति की तरह फूलने, खिलने और मुरझा जाने की समयबद्ध प्रक्रिया में नहीं बंधी। कठ गुलाब की तरह सृजन की हजारों संभावनाओं से भरकर वह खिलने को तैयार है लेकिन समय, समाज और सहचर की संवेदनात्मक तरलता और आत्मीयता का संस्पर्श पाकर ही हर प्रकार की दैहिक भावनात्मक अवमानना उसकी रागात्मकता को, तरलता को अवरुद्ध करके उसके कोख को बंजर बना देगी। ठीक वैसे ही जैसे पानी की बौछार के बिना मुट्ठी की तरह कसी कलियां धीरे धीरे भूरी से काली पड़कर नष्ट हो जाती हैं कठ गुलाब के फूल की, तब काठ में तराशे गुलाबों का अकूत सौंदर्य और खजाना संवेदनशील हाथों में जाने से रह जाता है। बेशक मृदुला गर्ग स्त्री के उत्पीड़न की कथा कहती हैं लेकिन यह भी तय है कि वे उसकी यातना को प्रतिशोध या असृजनशीलता में विघटित नहीं करती। वे प्रकृति के साथ तादात्म्यकृत होकर स्त्री को भगिनीवाद के सूत्र में बांधती हैं और फिर अपनी जातीय अस्मिता को पहचानने और बचाने का संकल्प देती हैं। इस प्रक्रिया में यकीनन हर कदम पर उसकी लड़ाई पुरुष की सत्ता और वर्चस्व से है लेकिन लक्ष्य भी यहीं से होकर गुजरता है और वह है अपनी क्षमताओं और संवेदनाओं से पुरुष के अंतर मन की सूखी कठोर जमीन को सींच कर नम करना, यानी पुरुष को पुरुष नहीं मनुष्य यानी अर्धनारीश्वर होने का संस्कार देना। मृदुला गर्ग का इकोफेमिनिज्म प्रकृति को स्त्री की शरण स्थली भी बनाता है और कर्मस्थली भी, लेकिन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के शिकंजे से मनुष्य की मुक्ति का प्रयास नहीं करता, यह एक बहुत बड़ी बात है। वे मानती है कि स्त्री और प्रकृति की मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक अधिनायकवादी मानसिकता से मुक्त होकर स्वयं पुरुष अपने भीतर के मनुष्य का साक्षात्कार न कर। मृदुला गर्ग विपिन और स्मिता दोनों को प्रकृति रूपा यानी सत्य, संवेदनशील, समर्पित पात्रों के रूप में चित्रित करती हैं। इसीलिए दोनों की मुट्ठी में कठ गुलाब के बीज है और दोनों बंजर को हरियाने में समर्थ हैं लेकिन दोनों उन बीजों को अपने अपनी मुट्ठी में दबाकर अपने अपने तई बिल्कुल अकेले हैं, रिक्त हैं, अपूर्ण हैं।
मृदुला गर्ग इस स्थिति को उपन्यास के केंद्रीय सवाल के रूप में प्रस्तुत करती हैं कि सहचर सहमना ना हो तो क्या एक की संवेदनहीनता दूसरे के भीतर जड़ता का प्रसार नहीं करते। मृदुला गर्ग इको फेमिनिज्म में प्रकृति और स्त्री को समरूपा मानकर उन्हें पुरुष वर्चस्ववादी ताकतों के शोषण के खिलाफ खड़ा करने की मान्यता को बिल्कुल नहीं स्वीकार। वे मानती है कि प्रकृति बेशक अन्याय का प्रतिकार करने हेतु पूरे समाज और समय से टक्कर ले ले, लेकिन स्त्री अपने घावों के साथ साथ प्रकृति के घावों को सहलाने का बीड़ा भी स्वयं उठाती है। यह मिल बांट कर अपने दर्द को कम कर लेने का नुस्खा है और अपने ही सहचर या कोख से उत्पन्न संतान की ज्यादतियों का प्रायश्चित भी। एक टीस भरी गहरी गूंज के साथ वे पाठकों और समय के लिए इस सवाल को अनुत्तरित छोड़ देती हैं कि स्त्री के घावों पर मरहम लगाने के लिए सहचर पुरुष का संवेदनात्मक हाथ कब आगे आएगा। बेशक स्त्री कभी बंजर नहीं रह सकती, लेकिन यदि उसकी कोख बंजर रह गई तो कौन इस नुकसान की क्षतिपूर्ति करे। यही इस उपन्यास का मूल उद्देश्य है और मृदुला गर्ग की इको फेमिनिज्म की अवधारणा। धन्यवाद।